यहाँ पे कोई चीज नीचे है और जो सेकंड ऑब्जेक्ट जिसके साथ आप उसको टैली कर रहे हैं उनमें डिस्टेंस है। राइट नाउ आई एम अंडर द रूफ, आई एम क्योंकि एक डिस्टेंस है, ये शब्द मेरे शब्द के साथ साथ के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इज अ डिस्टेंस दैट फैन इज बिलो द रूफ, ये भी नीचे है लेकिन ये ऊपर छत के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब कोई चीज जिसके नीचे होगी और उस चीज के साथ अटैच्ड होगी तो दैट इज बिलो, और जब कोई चीज किसी चीज के साथ नीचे है और अटैच नहीं है, बीच में डिस्टेंस है तो दैट इज अंडर। गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट पेयर पे आते हैं, डिजाइन एंड अलोंग, साइड एंड अलोंग। आप 3 बजे आ जाएंगे, आप तीनों आ जाएंगे, यह स्टैंडिंग है, सपोज ये चल रहे हैं, ये सपोज दिस इज अ गार्डन एंड दीज आर फ्रेंड्स, दे आर वॉकिंग इन द गार्डन, योर नेम इज, दिस इज मोइज, दिस इज मुस्तफा इज स्टैंडिंग बिसाइड मोइज, अगर ये चलेंगे तो मुस्तफा इज वॉकिंग बिसाइड मोइज, द नेक्स्ट वन योर नेम, he is standing along this, he is standing beside this boy along this boy, beech mein distance aa gaya, formula samjho, ye in mein distance nahi hai, jude hue hain dusre ke sath, they are beside, car mein 3 log baithe honge, suppose car mein 3 log baithe honge, to jo mere sath baitha hai he is sitting beside me, jo ek banda chhod ke udhar baitha hai he is sitting along me, got it? ye mujhe example chahiye, क्लियर है? चलें, देन कम्स बैक एंड बिहाइंड, नेक्स्ट वन इज बैक एंड बिहाइंड, नाउ व्हाट्स योर नेम, मोहम्मद, क्या बोलो, अली, अली, अली इज सिटिंग एट द बैक ऑफ मार्स, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई और नहीं है, ये चले मैं आसान मिसाल समझाता हूँ, आप रोड पे जा रहे हैं, आप बैठे हैं मैदान पे, आपके पीछे एक GLI आ रही है, उसके पीछे एक बिट्स आ रही है, 3 गाड़ियाँ, कौन कौन सी, आगे मैदान ग्रीमो वाली, उसके पीछे बिट्स मिडिल क्लास, देन कम टॉप क्लास, ठीक है, तो जो सबसे आगे है कौन सी है, मैदान, पीछे कौन सी थी, बिट्स, तो बिट्स इज एट द बैक ऑफ मैदान, Width is at the GLI is behind Mehran, क्योंकि उसके और बीच में width आ गई है, जिसने उसको वो वाला संबंध तोड़ दिया है, जो किसके लिए चाहिए, बैक में होने के लिए, समझे, घर को ले रहे हैं, आपका घर है, तो आपके घर की जो क्या दीवार होती है ना, घर की जो आपके घर की आखिरी दीवार है पीछे, इट इज एट योर बैक, आप कह सकते हैं दैट वॉल इज एट अ बैक, अब उसके पीछे जो घर है उस दीवार के बाद जो नेक्स्ट बीच में गली आ गई, फिर एक और घर है, वो आपकी बैक पे नहीं है, उसको गली ने डिस्टेंस कर दिया, दैट इज बिहाइंड यू, इन सब का अगर आप देखें फॉर्मूला एक ही चल रहा है, साथ जुड़ा होना या दूर होना, ओवर एंड अबव के साथ यही था, बिलो क्या था, बिलो के साथ अंडर के साथ ये था, बिसाइड और अबव के साथ भी यही था, और बैक और बिहाइंड के साथ भी यही, क्या डिस्टेंस होना या डिस्टेंस ना होना, गॉट इट, कौन कौन समझ रही है बच्चों में से, क्लियर है? नाउ इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, इट्स योर टाइम नाउ।